प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाग्य के आज के अंक में हम बात करेंगे एक चमत्कारी रत्न की, जिसे कहते हैं पन्ना। ज्योतिष में पन्ने को बुध का रत्न कहा जाता है और बड़ा खूबसूरत सा हरे रंग का ये चमत्कारी पत्थर होता है, चमत्कारी रत्न होता है। इस रत्न के प्रभाव क्या हैं, कौन इनको पहन सकता है और किसको पहनने से विशेष फायदे हो सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बुध का जो रत्न है पन्ना, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी खूबियां क्या हैं। देखिए, पन्ना नव रत्नों में एक असरदार और कोमल प्रभाव का रत्न माना जाता है। प्रभाव इसका बहुत गहरा होता है, लेकिन प्रभाव धीरे धीरे कोमल तरीके से आता है। मुख्यतः जिस ग्रुप का रत्न है वो है बैरूज ग्रुप, बेरियल ग्रुप का रत्न होता है ये। कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन और जल भी पाया जाता है। पन्ना आपको दुनिया में कहीं भी मिले, कोलंबिया में मिले, जंबिया में मिले, रशिया में मिले, पन्ना कहीं भी मिले, ये षटकोणीय ही होता है। और सामान्यतः पन्ने में थोड़ा बहुत जाल जरूर होता है। नॉर्मली बिना जाल के पन्ना सामान्य स्थितियों में नहीं होता। जब आप पन्ना पहनते हैं तो ये बुध का रत्न है, तो ये बुध की शक्ति को बढ़ा देता है, आपकी बुद्धि को प्रखर कर देता है, आपकी बुद्धि को एकाग्र कर देता है। ये मन की चिंताओं को दूर करता है, क्योंकि बुद्धि को ताकतवर करेगा तो बुद्धि से आप अपनी चिंताओं को दूर कर पाएंगे। इसलिए पन्ना पहनने से मन की चिंताएं दूर होती हैं। और बुध होता है वाणी का स्वामी, तो जब आप पन्ना पहनते हैं तो आपके वाणी की शक्ति बढ़ जाती है, आप अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं। अगर आपने पन्ना पहना और पन्ना पहनने से आपको नुकसान हो रहा है तो ये बुद्धि को भ्रमित कर सकता है और आपके मन को परेशान कर सकता है। बुध का संबंध आपकी त्वचा से होता है, इसलिए अगर पन्ना आपको नुकसान करेगा तो आपको त्वचा में समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप ये समझिए कि जब आप पन्ना पहनते हैं सलाह लेकर के और पन्ना आपको सूट करता है, तो ये आपकी बुद्धि को, आपके सोचने की क्षमता को, आपकी ताकत को निश्चित रूप से बढ़ा देता है। किन लोगों को पन्ना पहनना चाहिए और किन लोगों को पन्ना नहीं पहनना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने मुख्य विषय पर आ जाते हैं। और अब ये जानते हैं कि किन लोगों के लिए पन्ना धारण करना शुभ होता है और किनको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न वालों के लिए पन्ना लाभकारी होता है। याद रखिए, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की नहीं। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना फायदेमंद होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न में पन्ना भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। सिंह लग्न में, धनु लग्न में और मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहना जा सकता है। पन्ना वैसे तो कोलंबिया का, जंबिया का, रशिया का होता है सामान्यतः,
लेकिन आप जानिए कि पन्ना कहीं का भी हो, जितना ज्यादा हरा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। पन्ने को चांदी या सोने की अंगूठी में बनवा करके कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए बुधवार की शाम को। वैसे मैं बता दूं कि ज्यादातर चांदी में पन्ना पहनना फायदेमंद होता है। हाँ, कुछ लोगों के लिए विशेष स्थितियों में सोने में भी पन्ना पहनाया जा सकता है। किन समस्याओं की स्थिति में पन्ना धारण करने से तुरंत लाभ होता है, या कौन सी समस्याएं पन्ना पहनने से जल्दी हल हो जाती हैं? देखिए, अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है, या आप निर्णय लेने में, सोचने समझने में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा भ्रम रहता है, तो पन्ना पहनने से तुरंत लाभ होता है। अगर आपको नसों की समस्या है, नर्व की प्रॉब्लम है, या मस्तिष्क की, ब्रेन की कोई समस्या है, तो ऐसी समस्या की स्थिति में भी पन्ना पहनने से लाभ होता है। कान, नाक और गले में अगर कोई दिक्कत है आपके, या कान, नाक, गले में अगर दिक्कत लगातार रहती है, तो पन्ना पहनने से इस समस्या में भी जल्दी सुधार होता है। अगर आपको लगातार स्किन की प्रॉब्लम रहती है, त्वचा की समस्या रहती है, या चेहरे पे दाग धब्बे हैं, शरीर पे स्पॉट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में भी पन्ना पहनने से तुरंत फायदा होता है। जो लोग वाणी के क्षेत्र में हैं, बोलने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, समझाने, सलाह देने का काम करते हैं, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में हैं, उनको पन्ना धारण करने से बहुत फायदा होता है। तो मुख्यतः अगर आपको अपनी बुद्धि को तेज बनाना है, अच्छा बोलना है, अच्छा लिखना है, अपने प्रेजेंटेशन को बहुत बढ़िया बनाना है, तो आप सलाह लेकर के एक पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना पहनने से इन मामलों में जल्दी फायदा होता है। और खास तौर से अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, लंबे समय से आपकी दवाइयां चल रही हैं डिप्रेशन की, तो आप सलाह लेकर के पन्ना पहन सकते हैं, आपको लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।